ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रंगने से बेहतर है जहां मर्दों में रहो। जिनको मेरी तरह बैटल ग्राउंड खेलना पसंद है उनके लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया न्यूज है। तो बिंजम में बीजीएमआई टूर्नामेंट वापस लाइव हो चुके हैं और इस बार सारे टूर्नामेंट बिल्कुल फ्री हैं। तो फ्री में एंटर करो और हर एक किल पे एक कैश जीतो। एक किल का आपको 40 रुपए मिलेगा। और यही नहीं, अभी और सुनिएगा, अगर आप 40 रैंक तक आते हो तो भी आपको कैश प्राइज मिलेंगे और इन सारे कैश प्राइज को आप पेटीएम यूपीआई और बैंक अकाउंट के थ्रू तुरंत निकाल सकते हो। तो है ना कमाल का एप्लीकेशन। खैर एक बहुत बड़ी न्यूज भी है, वो ये कि बिंजो रोज रॉयल पास के फ्री गिवअवे भी दे रहा है और बिंजो में 70 से ज्यादा गेम अवेलेबल भी है। तो रॉयल पास जीतने के लिए आपको उनमें से किसी 3 गेम को खेलना है और फिर इस बैनर में क्लिक कर देना है, फिर इस फॉर्म को फिल कर लो और रजिस्टर कर दो। और हाँ, ये ऑफर अभी लिमिटेड टाइम के लिए है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाक से जाओ और जल्दी करो। अगर मेरी लिंक से करोगी तो आपको 50 रुपए का बोनस भी मिलेगा। कल एक लड़का मुझसे बोलता है, फौजी भाई आपको भी कभी प्यार मोहब्बत इश्क हुआ होगा तो जरा उसके बारे में बताओ। तो इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, कैसी डूब चुकी है नैया। कि इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, कैसी डूब चुकी है नैया। मैंने लिखा हेलो डियर, उसने लिख दिया भैया। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। तो यार सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि आजकल जो मैं इंट्रो बना रहा हूँ वो आपको कैसे लग रहे हैं। सच बताऊँ तो मैं अपनी तरफ से 200% दे रहा हूँ और इंट्रो विद शायरियाँ, इन दोनों चीज में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो अगर आपको मजा आ रहा हो तो प्लीज सपोर्ट दिखाओ यार और अपने दोस्तों को कभी कभी वीडियो शेयर कर दिया करो। फिलहाल बात करते हैं इस गेम प्ले की। तो हम उतरे हैं पुचंग की और यहाँ उतरते ही मुझे काम चलाओ मुन्ना गन मिल जाती है। तो चलो पकड़ते हैं बंदो को। अरे मेरे पास गन है, गन ले लो फौजी सर, मेरे पास गन है एक है। मिल गई बिट्टू, मिल गई यार। एक तो इसकी सेंसिटिविटी बहुत देर बाद अपलोड होगी। ये ना मेरे को मारा। अरे बचाओ, तो यार पोचंकी में दो ही बंदे तो थे तो इन दोनों की मैं पेटी बनाता हूँ और उसके बाद अपने टीममेट से बोलता हूँ कि चलो निकलें। पर तभी मेरा एक टीममेट यहाँ पे एक बंदे को देखता है तो उसे हम लोग ढूंढने आते हैं। और अरे मैंने कह दिया तो बंदा है पर। बढ़िया। और ये था इनका तीसरा बंदा जिसे मारा तुम्हारे भाई ने, बहुत गंदा। खैर इनको निपटाने के बाद पोचंकी में कोई नहीं बचता सिवाय हमारे सम्मानी आदमी बोर्ड दादा के। तो उनकी भी मैं सम्मान पूर्वक पेटी बनाता हूँ और फिर लूटा लाटी करके हम लोग इस तरह पाते हैं। और यहाँ आते ही मेरे टीममेट ये कहते हैं, अरे बंदे आ गए बचाओ। हाँ बंदे, 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 अरे बचाओ। इसमें बंदा है क्या, इसके अंदर? इसके अंदर बंदे। अब इस डिब्बा वाले घर के अंदर 2-3 बंदे होते हैं जो कि मेरे टीममेट को मार रहे थे। तो देखो यार चाचाओं को कैसे निपटाते हैं। अरे इनको कोई बिठाओ यार। मार्क द लोकेशन। भाग रहा है गाड़ी लेके। एक गाड़ी लेके भाग गया। कल एक सब्सक्राइबर कमेंट में कह रहा था, फौजी भाई बहुत दिन से अन्नू की आवाज नहीं सुनी, उसकी आवाज सुनवा दो ना। तो अन्नू कुछ बोलो ना। ए क्या मैं बोलूं? बोलो ज़ुबान केसरी। बोलो। तो यार ये बग्गी वाला बंदा भाग जाता है तो फिर हम लोग इसका पीछा करते हैं। और पीछा करते करते जैसे हम लोग इस तरह पाते हैं तभी मेरे टीममेट ये कहते हैं, अरे बहुत बढ़िया, कहाँ जा रहा है बच के।
अब इस लौंडे को जिस तरीके से हमने घेर के पेला, सच बताऊं तो ये एक ही शब्द बोला होगा यार, चादर मोदूं। इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे, ये एक गाली है। पर जो लोग गालियां देते हैं उनके बारे में आज कुछ कहना चाहूंगा। इरशाद इरशाद, गाली देना छोड़ दो, सीखो तुम अपना नाम करना। कि गाली देना छोड़ दो, सीखो तुम अपना नाम करना। अरे फौजी भाई चलो ना यार, क्या हर टाइम वीडियो बनाते रहते हो। ए माधर चुप, अपना काम करना। दो बंदे। अरे बढ़िया। अभी पापा विजय को मैं पट्टे से हेडशॉट देता हूँ और फिर अपने टीममेट से बोलता हूँ कि चलो रस कर दो। अरे अरे वो बाइक लेके भाग रहा रस, उधर उस साइड। अबे कहाँ जा रहा है मैं, उस साइड। आ लगा दो। अरे तुम्हारा मार्क मुझे राइट दिखता है यार। हाँ तुम मत बैठो मेरे को। अबे क्या हो गया, लौट क्यों रहा है? उधर आ जा यार। कहाँ जा रहे हो चाचा? तो यार ये रस को पता नहीं क्या हो गया था, उल्टा सीधा भाग रहा था। पर जैसे तैसे फिर चाचा मेरी बात को समझे और अब सीधा सीधा चल रहे हैं। फिलहाल मेरे टीममेट उस बाइक का पीछा करते करते यहाँ तक जाते हैं और वो बंदा यहाँ पे अपने टीममेट को रिकॉल कर रहा होता है। तो देखो यार आगे क्या होगा। मैं नहीं बैठूंगा इधर तक भाई यार, पता मुझे पता कर दे कॉल कर दे। आगे बंदे कूदा नहीं वापस गया। अरे वॉच आउट पर है ठीक है। अरे रे नहीं, अबे गाइस वहां से एंगल मिल रहा है उसको। इधर आ रहा है, इधर आ रहा मैं, जैसे आया मेरे पे ऊपर गया। अब इस बंदे के ऊपर मैं जलती बोतल में आग फेंकता हूँ और चाचा जल भी जाते हैं। तो मैं फटाक से रस करता हूँ और फिर चलो। अरे वाह, बेचारा हैप्पी। मेरे मोहल्ले में एक लड़की रहती है, आज वो मुझसे कह रही थी कि कभी कभी लड़कियों की भी तारीफ कर दिया करो वीडियो में। तो गाइस हर लड़की का सपना होता है कि वो शॉपिंग करे और बिल कोई और भरे। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और पता है लड़की और लड़के में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है, पूछो क्या? रहने तो मत पूछो, मैं खुद बता देता हूँ। खुद से खुश तुम रहना सीखो बिना किसी से सहारे लिए। कि खुद से खुश तुम रहना सीखो बिना किसी से सहारे लिए। और लड़कियां हमें घंटों घंटों में रिप्लाई करती हैं और हमें एक सेकंड भी नहीं लगता। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। कहीं तेरा लैग हो रहा है क्या? बंदा घर पे ठोक रहा हूँ। बंदे घर पे। घर पे बंदा क्या कर? एक हाँ रेड हो गया। किसको मार रहा है? पीछे भी खोदा, नीचे भी खोदा। सब तेरे तरफ से कर रहा है, ठीक है? पता एक बाहर पीछे की साइड है। अरे लेटा हुआ कैम पर। अब मेरे को यहाँ पे लगा था कि जिसके ऊपर मैंने बम फेंका हूँ वो अभी घर के अंदर ही होगा, इसलिए मैं पहले वाले को नॉक करके घर की तरफ देखने लगा था। पर चाचा कब कूद के यहाँ आ गए पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे फ्री फोकट में मेरी बेइज्जती हो जाती है, पर मैं किल चोरी करके जैसे तैसे अपना रिवेंज ले लेता हूँ। फिलहाल हम लोग यहाँ से लूटा लाटी करके निकल ही रहे थे और तभी गाड़ी आई। आई अरे
अरे वाह। अगर तुम्हारी बातों का जवाब नहीं देता तो ये मत समझना कायर है मैं, और बेटा रियल लाइफ में भी पुष्पा की तरह कायर है मैं। गाड़ी वाला रुका सर, थर्ड पार्टी। अब एक बंदे को मैं यहाँ पे नॉक कर देता हूँ, पर उतने ही में रोड के उस पार दो टीम के बीच में मुठभेड़ हो जाती है, तो देखो यार चाचाओं को भी मैं कैसे निपटाऊंगा। अब यहाँ दो बंदे एक साथ मेरे को मारते हैं और उस चक्कर में मेरा लेवल 3 का टोपा टूट जाता है, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेता और सबसे पहले टीममेट से उधारी बाड़ी करके पट्टी मंगाता हूँ। पर जैसे ही मैं पट्टी लगा रहा होता हूँ तभी मुझे एक बंदा दिखता है। पूरा कलेक्शन दे दिया ने फर्स्ट। अरे वो बंदे को ये मिल तो मैं। हां हां अरे एक और आया लेफ्ट से, लेफ्ट से लोकेशन पूरी वाइप करने का। आ जाओ पीछे चलो। अरे गजब, अरे वाह, ओपी यार, हैकर बोलते। मेरे पे आजो मत, फिर मैं नहीं बोलूंगी ऐसे आजोगे तो। तू मेरी माचिस से निकलने वाली रोशनी और मैं तेरा बारूद से लैस पटाखा, और आज फौजी मचा रहा है पूरे सर्वर में धमाका। तो यार अगर अभी तक का ये गेम प्ले आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है यार, तो लाइक के काले बटन को ठोकना मत भूलना। फिलहाल इनको निपटाने के बाद हम लोग लूट लाट करके सीधा इस तरह पाते हैं, और यहाँ आते ही ये सीन होता है। एक गाड़ी बंदे, अरे बंदे, बंदे। बोलो जय जय श्री राम। ओके ओके सबर रखो। अब यार मेरे को लगा था कि यहाँ पे इसके एक आध दो टीममेट भी होंगे, पर मैं चारों घर छान मारता हूँ पर हमको कोई नहीं मिलता। तो फिर हम लोग यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी गाड़ी आई। गाड़ी रुकी 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 अरे भाई। अब आप लोग सोचते होंगे फौजी भाई यार आपके गेम में चड्डी वाले लड़के काहे आते हैं, ये लोग कपड़े काहे नहीं पहने रहते। तो भैया तुम पहन लो कितने भी मिथिक कपड़े, हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फौजी चीजें रिसोर्सेस पैक डाउनलोड ही नहीं करता। तो यार महंगाई का जमाना है, इस समय अंबानी जी ने जियो का डाटा पेट्रोल से भी ज्यादा महंगा कर दिया है, तो भैया भावनाओं को समझो और फोन पे कर दो। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे कैसे सांप हैं यार, कहीं भी लेट जाते हैं। तो भैया ये तो फिर भी ठीक थे, गोली पड़ने के बाद उठ के मार रहे थे। पर अब मैं आपको जिससे मिलवाने वाला हूँ उसके बारे में मैं आपको शब्दों से बयान नहीं कर सकता, आप खुद ही देख लो। बंदा 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 पत्थर पे, ये रहा बंदा। नाग बोला नागिन से, मैं हूँ तेरे प्यार में अंधा। फिर नागिन बोली, मेरा ख्याल छोड़ दे बेटा, मेरा बॉयफ्रेंड है एनाकोंडा। और ये वही एनाकोंडा था भैया, काहे कि एनाकोंडा इतने आलसी होते हैं।
फिलहाल अब बचा सिर्फ एक लास्ट बंदा और ये देखो बहुत छोटा जॉन हो गया, यानी कि अगर यहाँ पे कोई भी बंदा बचा होगा तो वो आसानी से दिख जाएगा। पर सच बताऊं तो यार कम से कम 5 मिनट हम लोग यहाँ पे गोल गोल चक्कर लगा लेते हैं पर हमको कोई भी बंदा नहीं दिखता। यहाँ तक कि मेरे टीममेटों को तो ऐसा भी लगने लगा था कि कोई ग्लिच हो गया है, हम 4 ही बचे हैं 5 नहीं है, लेकिन वो अलाइव में 5 दिख रहा है उस वजह से चिकन डिनर लिख नहीं आया। खैर काफी ढूंढने के बाद भी जब वो हमको नहीं मिलता तो मैं बोलता हूँ कि चलो यार अपन बम से मरे, लग रहा शायद सच में ग्लिच हो गया है। पर तब मैं तो घर के गेट बंद कर करके देख लिया मैंने, ये फोड़ दी गाड़ी कोई पूरा। अरे भाई ये क्या हुआ? तो यार आप खुद सोचो कि 5 मिनट से वो बंदा जोन के बाहर है, बेचारे ने कितनी सारी पट्टियां लगा ली होंगी तब जाके वो 5 मिनट तक सरवाइव कर पाया। खैर ये 7 इंच का जोन मेरे से भी काफी ज्यादा ढीठ है तो फाइनली उसको निपटा देता है और जी के साथ हो जाता है चिकन डिनर। तो ये गेम प्ले आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल में ना तो प्लीज सब्सक्राइब करना और साथ ही बिंजो को डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं कल को नई वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत जय माता दी।